बंटी कबूतर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था। एक बार उसे घर आने में देर हो गई। आज वो ऑपरेशन बड़ा ही क्रिटिकल था, बहुत समय लग गया। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। बंटी कबूतर अपनी हवाई मोटर से घर जाने लगता है, तभी जंगल के रास्ते में एक चिड़िया उससे लिफ्ट मांगती है। कहिए क्या बात है? देखिए ना, मैं अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, बहुत रात हो गई है, मेरा घर अभी थोड़ी दूरी पर है, अगर आप उस तरफ जा रही हैं तो मुझे छोड़ते जाइए, रात का समय है, थोड़ा डर लग रहा है। जी आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको आपके घर तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वैसे मेरा नाम बंटी कबूतर है, और आपका? मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है। आइए बैठिए मेरी हवाई मोटर में, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बस बस यही रोक दीजिएगा, मेरा घर आ गया। आइए ना मेरे घर एक कप चाय पीते हुए जाइएगा, मेरे मम्मी पापा से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत देर हो गई है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर कभी आपके यहाँ चाय पी लूँगा। इस मुलाकात के बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बंटी, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। दोनों के माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी इनकी शादी हो जाती है। टुनटुनी बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालनी है, मैं तो बस आराम करूँगी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगती है। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे पूरे परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया है। क्या कहा तुमने, तुम्हारा परिवार? क्या ये परिवार सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं? अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये हमारा परिवार है। इसी तरह हंसी खुशी दिन कट रहे थे। एक रात बंटी कबूतर अस्पताल से घर लौट रहा था, अचानक उसकी हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बंटी, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेते गए? बंटी तुमने तो मेरे साथ जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, पर तुम अकेले क्यों चले गए? तुम्हारी बेटी भी अनाथ हो गई, अब ये पापा किसे कहेगी? बंटी कबूतर, आप इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल किया होता। अरे बहू संभालो अपने आप को, इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं बंटी को तो वापस नहीं ला सकती बहू, लेकिन तुमसे ये वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, मैं तुम दोनों को कलेजे से लगा कर रखूंगी। माँ जी ये सब क्या हो गया? माँ जी मेरी बच्ची अनाथ हो गई। माँ जी कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया की सास उससे अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। बबली कबूतरी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तू तो पूरी तरह से मनहूस है, तूने आते ही मेरे बेटे को खा लिया, ना जाने तू किस किस को खा जाएगी, अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रख सकती। एक दिन घर पर बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा आता है। माँ जी बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप जरूर बताइएगा, बंटी कबूतर मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरा बहुत अच्छा भाई भी था। क्या बताऊं बेटा, मेरा बंटी तो समय से पहले ही चला गया, सब इस कलंकनी के कारण हुआ है, इसने मेरे बेटे को खा लिया, ना इसकी मेरे बेटे से शादी होती और ना मेरा बेटा समय से पहले जाता, अब मैं इसे अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन मैं तुझे अपने घर में एक पल अब नहीं रखूंगी। ये सब बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा देख रहा था। अचानक वो मंदिर में पड़ा हुआ सिंदूर उठाकर टुनटुनी की मांग में भर देता है। माँ जी आज से टुनटुनी मेरी पत्नी हुई, मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहते हैं। लॉटरी ले लो, लॉटरी ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो, आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो, आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ।
बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके किसी तरह वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ कितना अच्छा होता अगर हम लोग अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। टुनटुनी तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल अब तू ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा, मुझे भी काम पर जाने की देरी हो रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी, उससे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो, आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो, आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी वाले की आवाज़ सुनकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी चल आज हम दोनों एक एक लॉटरी के टिकट खरीदते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं, क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। पिंकी चिड़िया ये सब बस कहने की बातें हैं, ये लॉटरी वॉटरी किसी को नहीं लगती, इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं, मुझे कोई टिकट नहीं खरीदनी। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, लेकिन मैं तो खरीदूंगी, क्या पता ये लॉटरी मुझे ही निकल आए। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया लॉटरी वाले के पास जाती है। अरे ओ लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो? बहन एक लॉटरी की कीमत 50 रुपए है, कहो कितनी टिकट दे दूं? भैया मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। पिंकी चिड़िया एक लॉटरी का टिकट ले लेती है, फिर वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मेरे पास 50 रुपए हैं, मैं इससे तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ, क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो, तू ये टिकट लेने से मना मत करना, मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। टुनटुनी चिड़िया की लाख मना करने पर भी पिंकी चिड़िया उसे टिकट खरीद कर दे देती है, फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्द ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया टुनटुनी के साथ लॉटरी वाले के पास जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, बहन टुनटुनी की लॉटरी की इनाम निकल गई है, ये लो इनाम की राशि टुनटुनी बहन, तुम करोड़पति बन गई हो। टुनटुनी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे टुनटुनी तू कहाँ खोई है, तू करोड़पति बन गई है, क्या करेगी तू इतने रुपयों का? पिंकी तुझे पता है मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दूंगी, फिर माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है टुनटुनी तू अब अपने घर जा। टुनटुनी अपने घर आती है और सारे पैसे अपनी माँ को देती है। इतने सारे पैसों को देखकर टुनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। माँ हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे, इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम करोड़पति बन गए। ठीक है टुनटुनी तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती। माँ ये देखो ना मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे, मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी, मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो।
ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चुड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगा कर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है, जल्दी आ। तब टुनटुनी चुड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठिए मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना, कितनी बड़ी हो गई है, जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी, पहचाना मुझे, मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चुड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चुड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी तू कब आई, टुनटुनी तू जा जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है, तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी ये सब क्या हो गया, माँ जी बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा। टुनटुनी तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूँ, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी तुझे जो अच्छा लगे वो कर, तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।